बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन कब्सा, जिसके लिए हमने 2 किलो चिकन लिया। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 6 अदद लीमों का रस और 1 चम्मच नमक का। ये हम इसको अच्छे से लगा के 1/2 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो है नमक का टेस्ट वो आ जाए। इसको हमने इस तरह से कट लगाए हुए हैं। इसको लेमन का जूस और नमक लगा के अब हम 1/2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। चिकन को हमने नमक और लेमन जूस लगा के रख लिया 1/2 घंटे के लिए। अब यहाँ हमने 3 अदद प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, उनको हमने काटा है स्लाइसेस में, और तकरीबन 1.5 कप हमारे पास ऑयल है जिसमें हम इसको फ्राई कर रहे हैं। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम आपको आगे का प्रोसीजर दिखाएंगे। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच। यहाँ हमारे पास है 1 प्याली दही की है और 3 अदद टमाटर और 6 से 7 अदद सभी मिर्चें हैं कटी हुई, यह हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। यहाँ हमारे पास है साबुत मसाले, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई और नमक, ये हम डालेंगे। साबुत गरम मसाला डाल के हम उसको भून रहे हैं अपने ये मसाले को। यहाँ हमारे पास है चाट मसाला है 2 टेबल स्पून, गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है 2 टेबल स्पून और सफ़ेद पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून और इमली का पल्प है, ये हम इसमें मसाले में ऐड करेंगे। ये देखिए मसाले हमने अपने मसाले में ऐड कर दिए हैं पिसे हुए, पिसे हुए मसाले तो वो भी ऐड कर दिए हैं, साबुत भी और टमाटर साबुत मिर्चें भी। अब हम इसमें जो हमने सेवका और नमक लगा के रखा था वो चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन और हमारा मसाला जो है वो भून रहा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 5 लीमों का रस हमने इसमें ऐड कर दिया और दोबारा से इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन जो है वो हमारा गल जाए और फिर उसके बाद हम आपको आगे प्रोसीजर दिखाते हैं। मसाला हमारा भून गया और चिकन भी तकरीबन गल गया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से। हमारे पास है 1/2 प्याली दही की और 2 टेबल स्पून है तंदूरी टिक्का मसाला। हम चिकन जो है वो मसाले में से निकालेंगे और इसको ये मसाला लगाएंगे और फिर उसको तवे पे जो है वो फ्राई करेंगे। देखिए चिकन को हमने बाहर निकाल के मसाले से तो दही और टिक्का मसाला लगाया है तंदूरी टिक्का। आपको अगर कम स्पाइसेस पसंद हो तो आप ना भी बेशक लगाएं। अब हम इसको शैलो फ्राइड करेंगे इसमें पैन में हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले। और ये चिकन भी इसमें ऐड करके हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ऊपर रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ये जो हमने मसाला भूना था उसको हमने पानी डाल दिया था और उसमें मज़ीद नमक हमने चावलों के हिसाब से ऐड करके कर दिया था और अब हम इसमें चावल डालेंगे। चिकन कब्सा के लिए हम चटनी बनाएंगे सॉस, जिसके लिए हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस,
सब मिर्च है, टमाटर, पुदीना और आधी चम्मच जो है वो नमक है। इन चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। हमारा बकरा था, इसमें हमने चावल ऐड कर दिए और चावल पकेंगे तो फिर हम इनको दम देंगे। जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इनको दम देंगे। चिकन हमारा गोल्डन हो गया और चावलों को भी हमने दम दे दिया। जैसे हमारे चावलों को दम आएगा तो हम आपको भी खाएंगे। ये देखिए चिकन भी हमारा तैयार हो गया और ये देखिए चावलों को भी दम आ गया। अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा चिकन कप्सा जो है वो तैयार हो गया और ये सॉस है हमारी दही और सैलड। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।